समझ ही नहीं आ रहा, लगता है मेरे को घर जाना पड़ेगा। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, टाइम हो गया लगभग 9:30 और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। जब से घर से आ रही हूँ मेरी थोड़ा हेल्थ भी डाउन है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा यहाँ का पानी शोर भी करता है क्या होता है। और अभी पी रही हूँ मैं यहाँ पे मॉर्निंग टी। ब्रेकफास्ट मैंने अभी रेडी नहीं किया और अभी पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी 9:30 हो गया है, उसके बाद खा निपटाऊँगी। तो आज है संडे, संडे को थोड़ा लेट ही उठती हूँ और इनका भी ऑफ रहता है, तो फिर थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है कि आज ब्रेकफास्ट भी रेडी लेट करना होता है और टाइम पे जल्दी उठना पड़ता है कि इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से एक साइड सब्जी चढ़ाई चूल्हे पे, एक साइड में फटाफट रोटी बना ली थी और ये बना रखी मैंने प्याज की सब्ज़ी, प्याज के हरे पत्ते, इनका फेवरेट है, इनको बहुत पसंद है ऐसी सूखी सब्ज़ी, उसके साथ कुछ नहीं, आलू वगैरह कुछ नहीं। तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, अभी मैं यहाँ पर रोटी सेक रही फटाफट गर्म गर्म, साथ ही साथ इनको परोस भी रही थी क्योंकि गरम गरम रोटी अच्छी लगती है हरी सब्जी के साथ। मंडवे का आटा होता तो मज़ा आता, बट यहाँ पे कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि हरी सब्जी कोई भी हो उसके साथ मंडवे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी पहाड़ी डिश बहुत हेल्दी एंड फेवरेट होती है सबकी। तो यहाँ पर फटाफट इनको परोस भी रही थी, आर्या उस टाइम दूध पी रही थी क्योंकि आर्या भी बहुत लेट उठी थी, तो यहाँ पे आर्या दूध पी रही थी वो और मैं साथ में करते हैं इसको। इनको मैंने फटाफट परोसा, उसके बाद मैं चली गई थी काम करने के लिए, झाड़ू पोछा किया, नहाना धोना हुआ, घर के बहुत सारे काम हो गए थे, कपड़े वगैरह थे वो सारे धोए, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। गुड आफ्टरनून, और अभी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अपने किचन से, और अब होता है लंच का टाइम। आज लंच में बनाने वाली हूँ मैं पहाड़ी दाल, लोबिया की दाल, ये मैं घर से लेके आई थी, बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी भी होती है, तो आज लोबिया की दाल बनाते हैं, मेरा फेवरेट दाल है ये, स्पेशल घर से लेके आई थी। वैसे इस दाल को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट फिर भी मैंने कहा उबाला जाता है कुकर में, तो हल्दी और नमक डाल रखा है थोड़ा सा, तब तक प्याज लहसुन कट कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हो गई है दाल बॉयल, लोबिया की दाल बना रही हूँ आज, अच्छे से बॉयल हो गई है। इधर मैंने प्याज लहसुन मिर्ची कट कर रखी है, इधर टमाटर एंड धनिया, यहाँ पे रख, यहाँ पे डाल दिया मैंने लहसुन एंड मिर्ची, अब लगाएंगे इसमें जीरे का तड़का, मिक्स कर दूंगी मैं इसमें टमाटर, तो यहाँ पे टमाटर एंड प्याज अच्छे से भुन चुका था, उसके बाद कर दूंगी मैं इसमें मसाले ऐड। मसाला भी हम लोग नॉर्मल सा, ये जो दाल होती है इसमें ज़्यादा वैसे मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये गरम मसाला या फिर सब्जी मसाला, दाल का जो छोला मसाला वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल सा दाल, सिंपल सा मसाला इसमें ऐड करना पड़ता है, हल्दी, मिर्ची, धनिया एंड नमक। ये दाल वैसे भी बहुत टेस्टी होती है, यहाँ पर बना रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में, नॉर्मल कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, बट लोहे की कढ़ाई आप सभी को पता है कि आयरन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन लोहे में इसका टेस्ट भी अलग ही आता है, कुछ दाल होती है ना कि जो लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है, तो वही ये दाल है। और उसके बाद देख सकते हैं इसमें थिकनेस अभी ज़्यादा है, तो इसमें कर दूँगी पानी ऐड। और ये दाल कहते हैं कि सोयाबीन का ही दूसरा वैरायटी है और प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में इसमें पाया जाता है। मैंने उसके बाद मिक्स कर दूँगी इसमें धनिया, हरा धनिया, तो देख सकते हैं आप गाइस कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, इन खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है एंड हेल्दी होता है। तो
तो यस, यहाँ पे हमारी दाल बनके एकदम रेडी हो गई है। इस दाल को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, परांठे के साथ, सब चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। एंड रोटी दाल वगैरह के साथ अगर सर्व नहीं करना तो इसको आप नॉर्मल भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है वैसे खाने में भी। अब लगा दूंगी मैं इसमें ढक्कन एंड दूसरे चूल्हे पे बना दूंगी मैं चावल। तो गाइज मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं जब से पुणे में आ रखी हूँ तो मेरे चैनल पे मैं ब्लॉग डालती हूँ तो कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे। घर पे थी तो बहुत ऐसे काफ़ी व्यूज़ आते थे और यहाँ पे आके व्यूज़ ही नहीं आ रहे, लगता है मेरे को गांव जाना पड़ेगा फिर से। और मैं ऐसी भतीजी से कह रही वो आप घर आ जाओ, आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे। हाँ मैंने कहा ऐसे हो रहा है, पता नहीं। लंच का टाइम आ रहा है, मैं सुलाने वाली थी, उसको मैंने खिला दिया है, दूध ही पिला दिया था, बट सोने का नाम नहीं ले रही तो इसको अभी हमारे साथ ही आना है। तो अब लंच कर लेते हैं, है ना? भूख लगी है। भूख लगी है, चलो फिर किचन में चलते हैं। घोड़ा बन के ऐसे कौन घोड़ा करता है भाई? चलो घोड़ा, चलो नीचे उतरो घोड़ा। नहीं, अरे मेरा गला मम्मा का गला। चलो घोड़ा। हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग दोस्त। मेरा दोस्त उतर ही नहीं रहा दोस्त। प्रणाम। हेलो दोस्तों, खाना रख रही हूँ। तो गाइस लंच हुआ हमारा डन और अब धो लेती हूँ फटाफट से बर्तन, फिर आर्य को सुलाती हूँ, मिलूंगी आपको सीधे फिर इवनिंग में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:15, शाम के 5:15 बज रहे हैं और आज चाय मैंने नहीं बनाई, चाय इन्होंने बनाई। आज इनका भी ऑफ संडे और मौसम देखो पुणे का, बारिश आने के लिए हो गया है। कल रात को तो बारिश हुई थी लगभग 11:30 बजे के टाइम पे, रात को बारिश हुई थी। अभी देखो मौसम एकदम बारिश आने के लिए हो गया, हवा चल रही है बहुत भयंकर वाली। मुझे थोड़ा बहुत बारिश भी हुई थी यहाँ पे। हाँ बेटा, बाहर बैठी हूँ, देखो यहाँ पे हो, इतनी भयंकर हवा चल रही, एकदम बारिश आने के लिए हो गया मौसम। अदरक वाली चाय आरू को देखो आ गई। बेटा हवा चल रही है, अंदर चलो, कोल्ड हो जाएगा आपको। इसको वैसे पता नहीं क्यों कोल्ड, इसका कभी कभी ऐसे हो जा रहा है। बारिश आ रही है ना, बारिश आ रही है ना। लड्डू ये खाओगे? बिस्किट चाहिए? मैगी देखो, मैगी। इतने कर्ली हेयर हो रहे हैं इसके। बिस्किट खाना है? नो नो, बिस्किट खाना है लड्डू, बिस्किट खाना है। ऐसे कौन खाता है भाई ऐसे कौन खाता है? खाने दो। तो चाय पीने के बाद मैं चली गई थी इवनिंग वॉक और इवनिंग वॉक से जस्ट मैं अभी आ रही हूँ। हारे को आज बाहर लेके नहीं गई क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी, मैंने कहा कोल्ड हो जाएगा, काफी तेज हवा थी, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो यही था आज का ब्लॉग, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।